तो वड़ा पाव बनाने के लिए हमने ले लिया है एक पैन, और पैन में हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल या नॉर्मल ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, इससे भी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें मस्टर्ड सीड्स डालेंगे थोड़े से। तो यहाँ पे एक चम्मच के करीब हमें सरसों के दाने डाल देने हैं और इसे थोड़े से चिटकने तक पका लेना है। देखिए यहाँ सरसों के दाने जब पक जाए तब इसके अंदर हम मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसे भूनने के लिए हमें 2 मिनट लगेगा। तो ये जब भून जाए तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं बॉईल करके, और यहाँ पे मैंने पहले से इसे मैश कर लिया है। तो ये आसान रहता है पकाने के लिए। तो इस तरीके से मैश करके ले लेना है आलूओं को, और इस तरीके से हम इसमें डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, वरना मिर्ची जब जलेगी तो उसकी स्मेल पूरे घर में आएगी। तो इसलिए यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे इसे। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। तो 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, और इन सभी को भी हम पका लेंगे। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे सभी को मिक्स करके ले लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से मिक्स होने के बाद अब इसमें हम बारीक कटे हुए धनिया डाल देंगे। अब ये पूरी तरीके से तैयार है, बस धनिया डाल के इसे मिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टफिंग तैयार करके ले ली है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे हम चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए ले लिया है मैंने एक तड़का पैन, उसमें 1 चम्मच जीरा और लहसुन की कलियाँ ली है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे। तो इस तरीके से इसे मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब इसे हम ग्राइंडर में डालेंगे। अब इसमें हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल का बूरा ले लिया है और भुने हुए मूंगफली और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ले लिया है 1/2 चम्मच के करीब। और इस तरीके से देखिए लाल चटनी हमने तैयार करके ले ली है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 100 ग्राम, और इसमें हम 1/4 हल्दी डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देने के बाद अब इसमें हम 1 नींबू का रस डालेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम बटाटे वड़े बना के तैयार करेंगे तो ऑयल कम सोक करेगा, प्लस इसमें फर्मेंटेशन होगी जिसके वजह से ये थोड़ा अच्छा सा फूल के आएगा और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका थोड़ा थिक बैटर हम तैयार करके ले लेंगे। तो यहाँ पे बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। तो देखिए इतना थिक रहना चाहिए बैटर। अब इसमें हम लास्ट में हम नमक डालेंगे। तो ज़्यादा नमक नहीं डालना है, करीब 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और इसे मिक्स करके ले लेंगे। ले लीजिए ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे बटाटे वड़े तैयार करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखिए हमने मिर्च ले ली है, और मिर्ची को यहाँ पे मैंने बीच से थोड़ा सा कट लगा के ले लिया है, जब हम इसे फ्राई करें तो फटे नहीं बीच से। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। आप चाहे तो कट लगाए या नाइफ़ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा कट लगा दे, इतना बड़ा नहीं कट करेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे स्टफिंग हमारी पूरी तरीके से ठंडी हो गई है, तो इसे मैंने एक साइड में ले लिया है। अब हम यहाँ पे बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, और उसकी मदद से हम राउंड शेप या थोड़ा सा चपटा शेप तैयार करके लेंगे। तो उस तरीके से हम अपने हिसाब से बटाटे वड़े तैयार करके ले सकते हैं। तो देखिए ये हमने ले लिए है तैयार करके। इस तरीके से आप भी बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप का बनाइए। तो लीजिए यहाँ पे मैंने 12 बटाटे वड़े तैयार करके लिए हैं। इस तरीके से ये तैयार हो चुका है पूरा का पूरा। अब हम फ्राई करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले इसको डाल दिया है बैटर के अंदर, और इसे हम थोड़ा सा कोट कर देंगे। और ऑयल भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो पहले हम मिर्ची को फ्राई करेंगे। मिर्ची जब फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम डालेंगे उसे फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर पहले मिर्ची को मैंने फ्राई करके ले लिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद जब हम इसे डालेंगे तो मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो हाई टू मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हमें बटाटे वड़े को पकाना है। तो यहाँ पे जब हम बटाटे वड़े डालेंगे तो तुरंत नहीं चलाना है, उसके 2 मिनट बाद हम वेट करेंगे, उसके बाद चलाएँगे।
तब वो खुद ब खुद नीचे से छोड़ देता है, वरना वो चिपक जाएगा। तो जब चिपक जाएगा तो आपके बटाटे वटे फट जाएंगे, उसकी वजह से ऑयल ख़राब हो सकता है। तो थोड़े 2 मिनट वेट करके इसे चलाएं, और 2 मिनट होने के बाद इसे थोड़ा सा पलट देंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे, दूसरे साइड से भी हम इसे पका के ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से बटाटे वड़े बन के तैयार हो चुके हैं। तो देखिए गर्मा गर्म बटाटे वड़े कितने हैं, ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं ये। आप इसे चाहे तो ऐसे चटनी के साथ भी ले सकते हैं। तो देखिए ये पूरी तरीके से हमने बना के तैयार कर लिया। अब चलिए हम वड़ा पाव बनाना तैयार करते हैं। तो इसके अंदर हम स्टफिंग करने से पहले यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से पाव को ऐसे फाड़ के ले लिया है और उसके ऊपर हम चटनी लगा रहे हैं। ये मैं आपको सिंपल प्रोसेस दिखा रही हूँ, इंस्टेंट तरीका। उसके बाद हम प्लेटिंग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे इसकी। तो इस तरीके से मैंने चटनी लगा दी है। अब इसके ऊपर हम वड़ा रखेंगे। तो इस तरीके से बीच में वड़ा रखना है। और देखिए ये रहा मुंबई स्टाइल वड़ा पाव तैयार हो चुका है। अब हम चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने लाल चटनी को एक साइड में रख दिया है और यहाँ पे हरी मिर्च रख देते हैं। और लीजिए ये वड़ा पाव बनके तैयार हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर न्यू हो तो ज़रूर